अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और रियाद में वापस आ चुकी हूं और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने घर की सारी डीप क्लीनिंग शेयर करूंगी। सबसे पहले नाश्ता कर लेंगे और नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें हम कल ही ले आए थे। और स्टार्ट करूंगी मैं अनपैकिंग से, क्योंकि मेरा पाकिस्तान का दुबई का सारा बहुत ज़्यादा सामान था और सारी पहले अनपैकिंग कर लूँगी और उसके बाद देखूँगी कौन सी चीज़ को कहाँ से स्टार्ट करना है। और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी लॉन्ड्री, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हो चुके हैं और ये साथ साथ हो जाएंगे तो घर में काफ़ी चीज़ें क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। कुशन कवर्स जो सारे मैंने वॉश करके शॉपर्स में रखे थे, उसकी वजह से मुझे काफ़ी आसानी हो गई है। तो अब मैं ये सब कुशन कवर्स लगा रही हूँ। पाकिस्तान जाने से पहले मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था क्लीनिंग बिफ़ोर ट्रैवलिंग, और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैं किस तरीके से अपने कुशन्स, घर के डेकोरेशन और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पहले से ही समेट के जाती हूँ और मैं वापस आऊँ तो मुझे उन चीज़ों की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर मैं अपना कुछ मेकअप निकाल रही थी जो कि बिल्कुल न्यू भी है और कुछ मैंने बहुत कम यूज़ किया है, वो मैं एक हेल्पर को दे दूँगी। और क्योंकि घर की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो मैनेज करनी थी, ग्रॉसरी करनी थी, किचन स्टार्ट करना था, तो मेरे लिए एक ही दिन में सारा कुछ करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने एक हेल्पर को बुलवा लिया। और आप ऑनलाइन इस तरह की हेल्पर्स को बुलवा सकते हैं जो 4 आवर्स के लिए आती हैं और आप इनसे काफ़ी ज़्यादा घर का काम करवा सकते हैं। मैं यूजुअली इस तरह के हेल्पर्स को नहीं बुलवाती, लेकिन क्योंकि अभी मुझे किचन स्टार्ट करना था और सारी चीज़ें एक ही दिन में मैनेज करनी थी तो इसलिए मुझे हेल्पर को बुलवाना पड़ा। अपने बाथरूम के बाय के लिए मैं एक स्टैंड लेके आई हूँ होम बॉक्स से, और ये मैंने दुबई से बाय किया था। इस तरह से इसके 3 पोर्शंस हैं और अब मैं इसमें अपनी सारी चीज़ें रखूँगी। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे दुबई से मिला है और अभी मैं इसको सेट कर ये सब कल मैंने वॉश करवा लिए थे और अभी इन सबको मैं जगह पर रखूँगी। और फिर आज जाना है मुझे ग्रॉसरी के लिए। मैं जब भी 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, जितने भी टाइम के बाद पाकिस्तान से आती हूँ तो मैं लाजमी सब मसालों के डब्बे, हर चीज़, ऑयल की सारी चीज़ें, ये सब लाजमी क्लीन करवाती हूँ। तो अभी बस इन सब को जगह पे रखती हूँ। बाकी सारी बास्केट्स के साथ जिनमें मैं प्याज और आलू डालती हूँ उनको भी मैं लाजमी क्लीन करती हूँ जब भी मैं वेकेशन से वापस आती हूँ। तो ये अभी सब मैंने वॉश करके रख ली हैं और अब मैं जाऊँगी ग्रॉसरी करने, और जब तक मैं ग्रॉसरी से वापस आऊँगी तो ये ड्राई हो चुकी हूँ। आज देखती ये मामूल एक न्यू इसकी स्वीट्स में ऐड हुई है और आज मैंने ये ट्राई किए कुकीज़ फिल्ड विद सऊदी डेट्स। पुरानी है पता नहीं, मैं तो आज ही ट्राई कर रही। घर में बिल्कुल कोई ग्रॉसरी नहीं थी इसलिए पहले हम यहाँ पे अलबेक आ गए हैं और हम लुलू से अपनी सारी घर की ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं। तो पहले खाना खा लिया है हमने और अब मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग स्टार्ट करूँगी। और ये ग्रॉसरी मेरी रमज़ान ग्रॉसरी नहीं है, रमज़ान ग्रॉसरी के लिए मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगी, लेकिन अभी जो मेन चीज़ें मुझे चाहिए थी मैं वो बाय करने आई हूँ। वेकेशन के बाद जब मैं आई हूँ तो काफ़ी ज़्यादा घर की स्टील जो है ख़राब लग रही है, तो उसके लिए मैं ये स्टेनलेस स्टील के वाइप्स बाय कर रही हूँ और इसमें ये बाथरूम सर्विस के भी वाइप्स हैं। तो लेट्स ट्राई दी। अब मैं आई हूँ पांडा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं यहाँ से ग्रॉसरी के लिए बाय करती हूँ। घर की सारी क्लीनिंग करवाने के बाद मैंने कर्टन्स, बेडशीट, कुशन कवर्स हर चीज़ चेंज कर ली है और ये कंफर्टर भी चेंज कर लिया है। ये सब चीज़ें मैं पाकिस्तान से बाय करती हूँ और आपके साथ बेडशीट्स की अपनी कलेक्शन भी शेयर करूँगी जो इस बार मैं पाकिस्तान से बाय करके आई हूँ, और एक वीडियो में आपके साथ अपनी पाकिस्तान की और दुबई की सारी शॉपिंग भी ज़रूर शेयर करूँगी। कोई भी बास्केट आपने किचन की कैबिनेट्स में रखी हुई हैं और वहाँ पे आपने
किसी भी किस्म का अपना क्लीनिंग मटेरियल रखा हुआ है तो आप उन बास्केट्स को लाजमी वॉश करें, क्योंकि हमारे किचन से जब कुछ अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि बाहर से तो सब किचन क्लीन है, तो वो इसी तरह की चीज़ों पे यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर जम गया होता है और बार बार पानी लगने की वजह से उधर से स्मेल आ रही होती है। तो अभी मैंने ये बास्केट्स क्लीन कर ली हैं। वैसे तो कल काफ़ी बर्तन मैंने धुलवा लिए थे लेकिन अभी भी कुछ रह गए थे, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें भी अभी खुद से क्लीन की। ये जो होम बॉक्स से मैंने रैग बाय किया तो उसकी सारी सेटिंग मैंने कर ली है, और मेरे आने से पहले मैंने कुछ बाथ एंड बॉडी के ये हैंड सोप्स भी ऑर्डर कर लिए थे, तो अभी बस फिलअप करती हूँ सारी चीज़ों को। और सबसे पहले स्टार्ट करूँगी सोप से। मुझे कभी कभार सऊदीया में बहुत ज़्यादा दिल करता है सुपारी खाने का, तो इसलिए मैं इस बार पाकिस्तान से नासमान हम तुम इस तरह की चीज़ें बाय करके लेके आई थी। लेकिन जब मैं सऊदीया आई तो मुझे पता चला कि हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से भी मंगवा ली थी, तो अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ये हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको किसी तरीके से डेकोरेट करके रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे दिल करे तो मैं ये खा सकूँ। और शिमला मिर्च को मैं इस तरह से, जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियोस में दिखाया हुआ है, इस तरह से मैं जिप लॉक बैग्स में इनको काट के रख देती हूँ। तो ये है कि जब भी मुझे कुछ भी फ्राइड बनाना हो, फ्राइड राइस या मैक्रोनीस, तो मैं इसी से फिर निकाल के आराम से इजीली बना लेती हूँ। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं जब भी सऊदीया आती थी तो इन जार्स को मैं बिस्किट से, चॉकलेट से फिल करती थी। लेकिन इस बार क्योंकि हम वेकेशन से आए हैं और काफ़ी ज़्यादा ओवर ईटिंग और स्वीट्स खा भी चुके हैं, इसलिए हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो हमने सिर्फ एक ही बिस्किट लिया है, ये वाला डाइजेस्टिव बिस्किट, और ये बहुत पसंद है हमें। और बाकी जार्स अब खाली रहेंगे तब तक जब तक हम कुछ और हमें न्यू चीज़ नज़र नहीं आती। और बस ये हस्बैंड ने अपने लिए कुछ चॉकलेट्स ली थी, बाकी अभी ये जार्स मेरे एम्प्टी। अभी तो सिर्फ मैं अपनी ये ग्रॉसरी सारी मैनेज कर रही हूँ, लेकिन रमज़ान के लिए मैंने अपने किचन का एक पूरा मेकओवर सोचा हुआ है। और मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ अपने किचन का मेकओवर शेयर किया था। मेरा किचन बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है, लेकिन मैं हर कुछ टाइम के बाद इसमें कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस करती रहती हूँ, जिसकी वजह से ये काफ़ी फ्रेश लगने लग जाता है। और अभी किचन के लिए मुझे कुछ चीज़ें बाय करनी हैं, ये स्पाइस जार, ये काफ़ी चीज़ें मैं चेंज करना चाह रही हूँ, तो उसके बाद मैं किचन का पूरा मेकओवर आपके साथ शेयर करूँगी रमज़ान से पहले पहले। दुबई से जो मैं इनके कवर्स लेके आई थी, इनको इसमें फ़िल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये हर तरफ बिखर गए थे। और सारी सफाई होने के बाद ये सब कुछ देख के मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं। लेकिन क्योंकि अब मैंने ये इसमें हाफ तो डाल लिए थे, तो अब ये सारा दोबारा मुझे क्लीन करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि सारा क्लीन होने के बाद घर कैसा लग रहा है। वो सब डेकोरेशन, वो कैंडल्स, वो छोटी मोटी हर चीज़ जो कि मैं यहाँ बॉक्सेस में बंद करके गई थी, अब उसको मैं वापस डिस्प्ले कर दूँगी। और रमज़ान के लिए भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा डेकोर सोचा हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज क्योंकि घर की फुल क्लीनिंग हो रही है और डीप क्लीनिंग हो रही है, तो इसलिए आज मैं रमज़ान डेकोर नहीं दिखाऊँगी। और कुछ डेकोर जो कि हमने दुबई से बाय किया था, वो भी अब हमने यहाँ पे एडजस्ट करना था। तो ये ग्लोबल विलेज से जो हमने अफ्रीका के पवेलियन से फ्रेम्स ली थी, वो हमने एंट्रेंस में अपने मिरर के साथ यहाँ पे हैंग कर दी हैं। जब से मैं पाकिस्तान और दुबई से आई हूँ, यही घर की सारी सेटिंग देख रही हूँ, और आज मैं कुछ घर की सेटिंग चेंज करना चाह रही हूँ।
अभी मैं टेबल रनर के लिए थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ। और मैं बहुत टाइम से ये आइकिया से मैंने 4 रियाल का लिया था और बहुत टाइम से ये यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मुझे टेबल रनर्स बिल्कुल भी रीज़नेबल प्राइस में नहीं मिले और मैंने एक ऑर्डर तो किया हुआ शीन से, लेट्स सी वो कब आता है। लेकिन अभी मैं एक और एक्सपेरिमेंट करके देखने लगी हूँ कि वो अच्छा लगता है या ओके, नॉट लुकिंग सो बैड। सो मैं कुछ टाइम के लिए इसको भी टेबल पे रहने दूंगी। इट इज़ नॉट अ टेबल रनर बट मैं थोड़ी सी चेंजेस के लिए इसको यहाँ पे रख रही हूँ और जब मेरे शीन से ऑर्डर आ जाएगा तो फिर वो रख दूंगी। और क्योंकि अब इसका कलर थोड़ा पर्पलिश और ब्लू सा है तो अब मैं इसमें कैंडल भी ब्लू सी रख दूंगी यहाँ पे, और ये वाली कैंडल और ये अब दूसरी जगह रख दूंगी और ये ऐसे यहाँ पे। मैं इस फ्रेम की चेंज करूंगी और इसके लिए मैंने बहुत से प्रिंट आउट्स हमेशा से निकाल के रखे हुए होते हैं। फिर रमज़ान आए, ईद आए, कोई भी चीज़ आए तो मैं इस तरह के कलरफुल से ये प्रिंट्स जो हैं निकाल के तो इसमें ये डाल देती हूँ। तो आज मैं अभी सेलेक्ट करती हूँ इनमें से कि कौन सा अच्छा लगेगा। कुछ खुद से भी मैंने आर्ट वर्क्स बनाए हुए होते हैं, आर्ट वर्क से चेंज कर दिया है। और वहाँ पे जो एक फ्रेम पड़ी हुई थी ये वाली, ये भी मैंने वहाँ से हटा के तो ये पेस्टल कलर्स वाली फ्रेम रख दी है क्योंकि ये थोड़ी सी कर्टन से मैच हो रही है और अभी ये कुछ फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं वो बस मैं हटा के तो अपनी सेटिंग को फाइनल करती हूँ। रियाद में डस्टिंग क्योंकि हर कुछ टाइम के बाद करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंडस्टॉर्म आते हैं और मैं इस तरह के वाइप्स के साथ सारी डस्टिंग करती हूँ। और ये जो सारी सेटिंग मैंने अभी की है घर की, ये रमज़ान की नहीं है, रमज़ान के लिए मैंने एक कॉर्नर बनाना है जिस तरह लास्ट रमज़ान भी मैंने एक कॉर्नर बनाया था। और उस कॉर्नर के लिए मैंने अभी कुछ चीज़ें बाय करनी है। आपका अपना घर हो या आप किसी रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो, लेकिन आपके घर को बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए और मैं भी इसीलिए अपने इस अपार्टमेंट को बहुत खूबसूरत दिखाती हूँ। जितनी चीज़ें मैं इसमें चेंज कर सकती हूँ उतनी चीज़ें मैं चेंज करती हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों से भी अपने घर को नहीं भरती क्योंकि अभी ये हमारा अपना घर नहीं है, लेकिन मुझे घर डेकोर करने का बहुत शौक़ है और इसीलिए मैं हर कुछ टाइम बाद अपने घर में कुछ इस तरह की चेंजेस करती रहती हूँ जिससे मुझे ख़ुद भी बहुत सुकून मिलता है।
मुझे तो घर की ये सेटिंग बहुत अच्छी लग रही है। आई होप कि आपको भी अच्छी लगी होगी। और आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ रमज़ान प्रिपरेशंस एंड रमज़ान होम डेकोर। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।